हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप जितने लोग भी मेरे को देख रहे हैं इस टाइम, सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करंट सिचुएशन शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त डिफरेंट ममालिक से, स्पेन से, इटली से, फ्रांस से, माल्टा से, बेल्जियम से, जर्मनी से मैसेजेस करते हैं और पूछ रहे थे कि पुर्तगाल मूव हो जाएं उन कंट्रीज से अभी, क्योंकि आप लोग को पता है डॉक्यूमेंट के साथ साथ पासपोर्ट के असूल के लिए इस टाइम बेस्ट कंट्री है। तो मैं इसके बारे में आप लोग को बताता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने माजिद बैकपैकर फैमिली ज्वाइन नहीं की तो ज्वाइन करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले डेली व्लॉग इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। काफ़ी ज़्यादा लड़के मुझे मैसेजेस कर रहे हैं माल्टा से कि भाई हम माल्टा में हैं, काम कर रहे हैं और माल्टा से यहाँ पे आ जाएं। तो माल्टा भी जो है रेजिडेंस कार्ड देता है, ऐसी बात नहीं देता। कुछ मेरे दोस्त हैं, बल्कि जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं उन्हें पता होगा मेरा दोस्त जर्निश, और उसके पास ऑलरेडी माल्टा का कार्ड था 2 साल का, बट वो माल्टा नहीं रुका, यहाँ आ गया, पोर्तुगीज कंपनी में काम किया, थोड़ी ज़बान सीखी और अब जो है रेजिडेंस कार्ड के असूल के लिए बायोमेट्रिक जो हैं उसके होने वाले हैं। कहानी इस तरह है कि भाई दूसरे कंट्रीज जिस तरह इटली भी डॉक्यूमेंट दे देगा, स्पेन भी डॉक्यूमेंट दे देगा, माल्टा भी डॉक्यूमेंट दे देगा, बट सिचुएशन ऐसी है कि पासपोर्ट के लिए पुर्तगाल बेस्ट है। दूसरा जो चीज़ है, आप उन कंट्रीज़ के अंदर फैमिलियाँ नहीं बुला सकते। जितने भी लोग हैं इटली से यहाँ पे पुर्तगाल, 0-0 फॉर एवर के पेपर, लाइफ टाइम के पेपर लेके पुर्तगाल में चेंज करा के यहाँ का रेजिडेंस कार्ड लेके फिर फैमिली अपॉइंटमेंट लेके फैमिलियाँ बुला रहे हैं। दूसरा यार, मैं आप लोगों को एक बरादराना मशवरा दूंगा। विंटर स्टार्ट हो गया है, कल बहुत तेज़ बारिश थी, एक दो दिन बीच में वीडियोस अपलोड नहीं हुई इसलिए कि यार बारिश में भीग जाने की वजह से आपके भाई की हो गई थी तबीयत ख़राब, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। तो जैसे ही विंटर स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, और उसी तरह जो है विंटर के साथ साथ आप लोगों को पता है सीज़न आउट हो गया समर का। पुर्तगाल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पे जो है टूरिस्ट आता है, रोज़गार के मौके भी बढ़ते हैं। जैसे विंटर स्टार्ट हुआ है टूरिस्ट कम हो गया है और जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम हो गई है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप लोगों को पता है बारिश होती है काम नहीं होता। रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी अब हायरिंग कम हो गई है। तो जितने भी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर, मेरे चाहने वाले जितने भी दोस्त दूसरे ममालिक के अंदर काम कर रहे हैं, बरादराना एक आप सबको मशवरा दूंगा, बरादराना अगर आपकी दूसरे ममालिक में जॉब्स लगी हुई हैं तो ये विंटर सीज़न आप निकालें वहाँ पे, और देन यू विल मूव टू पुर्तगाल। क्योंकि अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ध्यान में ये रखनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को जो है हो सकता है 3 महीने 4 महीने 5 महीने जॉब ना मिले, तो आपके पास सबका खर्चा होना चाहिए रहने का, खाने पीने का, बट जेब से पैसा लग रही हो और आ रहा ना हो फिर बंदा परेशान हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये मैसेज कर रहे थे, मैंने अपनी राय दी यार, बंदे की अपनी राय, बट पेपर्स के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए बेस्ट कंट्री इस टाइम जो है पुर्तगाल ही है। और मौसम चेक करें इस टाइम, आपका भाई जा रहा है इस टाइम काम पे, मौसम बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है, और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ कि अभी क्या करंट सिचुएशन चल रही है, क्योंकि जॉब्स के हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछते हैं। तो लगी लगाई नौकरियां छोड़ के विंटर सीज़न में नहीं आए, थोड़ा सा वेट करें। और अगर आप लोगों का बहुत ही जल्दी बायोमेट्रिक का टाइम है, देखिए ये कोई लीगल वे नहीं है, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे ना रुलें आप लोग आके, क्योंकि अभी आप लोग आए हैं जॉब शॉप छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यहाँ पर, फिर जेब से पैसे देने पड़ेंगे, टिल दी एंड आपके पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे। मेरा मशवरा ये था, बाकी आप सब अपने लिए बेहतर जानते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ और नए व्लॉग के साथ। किसी को कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। अपने दोस्त को दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।